अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोगों की इंशाल्लाह पूरी तैयारियां 11 निके की हो चुकी है, सारो सामान के साथ। और यहां पर पूरा डेकोरेशन मंडप की भी तैयारियां चल रही है, इंशाल्लाह कल ये प्रोग्राम अंजाम दिया जाएगा। और अमन पसंद सोसाइटी के पूरे जिम्मेदारान इस प्रोग्राम में लगे हुए, आसिफ भाई बारदानवाला, मैं खुद फारूक कालिया, हम लोगों की पूरी मेहनतों से इंशाल्लाह इस प्रोग्राम को सजाया जा रहा है और हमारी पूरी मुकम्मल तैयारियां हो चुकी है। अभी आप बता सकते हैं कि अभी फिलहाल क्या क्या तैयारी? अभी बस ये डेकोरेशन का चल रहा है, मंडप उंडप का बांधना उन्ना चालू है, बाकी सारा सामान तो आ चुका है, जो तोपे वगैरह है, खाने का पूरा इंतजाम इंशाल्लाह हो चुका है। और स्टेज वगैरह? स्टेज वगैरह अभी बस रखना चालू करेंगे, बस ये मंडप वाले का काम ही चल रहा है, आप देख सकते हैं। अक्सर बात के निके की तरकीब रहेगी, कैसी तैयारी रहेगी? असर के फौरन नमाज के बाद निके की तरतीब शुरू कर दी जाएगी और मगरिब के बाद इंशाल्लाह खाने का नज़्म रहेगा। तो कौन से कितने मेहमान आ सकते हैं, किन किन को दावतनामे आपने दिए? हम तमामी सोशल वर्कर, मालेगांव शहर के तमाम पार्टी के वर्कर और हमारे अपने वार्ड के तमामी जिम्मेदारान, हमने 2000 कार्ड इस शहर के अंदर बांटा है, इंशाल्लाह 4 से 5 हज़ार लोगों का खाने का नज़्म रहेगा। और दुल्हन के घर 200 लोगों का हम लोग खाना पहुँचा के देंगे, उनका खाने का नज़्म यहाँ नहीं रहेगा। भैया आप ये बता सकते हैं कि दुल्हन को जो दहेज दिया जाने वाला है उसमें क्या क्या चीज़ें? उसमें तमाम चीज़ें हैं, जैसे फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, कबाड़ है, पलंग है और छोटे बड़े 151 बर्तन है टोटल। नहीं, खाने का निज़ाम तो ऐसा है कि हम लोगों ने पहले ही मीटिंग में बताया था कि दुल्हन के घर पर 4 पायली का खाना भेज देंगे और दूल्हे वालों के घर पर 4 पायली का खाना भेज देंगे, ताकि वो अपने मेहमानों को इज्जत के साथ अपने दरवाजे खिला सके। और जिन लोगों को हम मधु कर रहे, हम दावत दे रहे, उन तमाम लोगों के लिए खाने का नज़्म हम लोगों ने हमारे ज़िम्मे ले रखा है, उनकी मेहमान नवाजी, उनका खाने का नज़्म हम अपनी ओर से रखे हुए हैं और उनकी मेहमान नवाजी हम खुद करेंगे। तो उसके लोग यहाँ पर अभी मतलब इंतज़ाम आपने किया है क्या पूरी तरह से सब हैंडल करें? नहीं है, अल्लाह का एहसान है। अदारा अमन पसंद एक ऐसी सोसाइटी है, एक ऐसी एजुकेशनल फाउंडेशन है, जिन्होंने जब ये रजिस्टर नहीं था तब भी ऐसे बड़े बड़े कई प्रोग्रामों का इनकार किया है और ये सोसाइटी को बड़े बड़े प्रोग्राम करने का इतना अच्छा जनरल नॉलेज आ चुका है, इतना अच्छा नॉलेज है कि हम बड़े से बड़ा प्रोग्राम बआसानी कम वक्त में, कम दिनों में तरतीब दे सकते हैं। और ये प्रोग्राम भी हमने चंद दिनों में ही तरतीब दिया है और अल्लाह के फजल व करम से ये प्रोग्राम बहुत अच्छे इंतज़ाम के साथ है। मेहमानों के लिए इंतज़ाम किए गए हैं, आने वालों के लिए नज़्म, यहाँ पर स्टेट कहाँ रहेगा, दुल्हन के लिए स्टेट रहेगा, दूल्हे के लिए स्टेट रहेगा, महिलाओं औरतों के लिए, ख़वातीन के लिए बैठने के लिए पर्दे के साथ माकूल इंतज़ाम, मर्दों के लिए बैठने के लिए माकूल इंतज़ाम, पानी का नज़्म, खाना, चाय, हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए, यहाँ तक के जैसे अगर हम एक शादी करते तो निकाह के बाद मस्जिद के बाहर हम आइसक्रीम का नज़्म रखते, तो हम लोगों ने इसमें 11 निके तक के अंदर भी निके के बाद में सब लोगों के लिए आइसक्रीम का नज़्म रखा है। तो हमने हर चीज़ को बारीक बीनी से ध्यान में रखते हुए कि जैसे हम घर पे करते वैसे ये इज्तिमाई निकाह में हमने ध्यान में रखा कि हमारी जिन बहनों की शादी हम करने जा रहे उन्हें ये कोई कमी नहीं लगे कि अगर हमारे माँ बाप अपने दरवाजे करते तो ये कमी रह जाती या ये चीज़ होती है वो होती। तो हमने हर चीज़ को ध्यान में रखा कि हम अपनी बहनों के लिए कोई भी कमी उनके मन में ना रह पाए, ताकि उनको ये लगे कि हमारे भाइयों ने हमारी शादी एक हमारा ओरिजिनल भाई बनकर, जैसे हमारा सगा भाई करता वैसे बनकर अदारे अमन पसंद के जिम्मेदार लोगों ने अंजाम दिए। यते अमन पसंद सोसाइटी का सेक्रेटरी होने के नाते मालेगांव शहर की आवाम से ये एक दावत है कि अगर आप तक दावतनामा नहीं पहुंचा होगा, आपको इसका मैसेज नहीं मिला होगा, तो आप सच का सामना की जो वीडियो आप देखेंगे इसी पर, इसी को हमारा दावतनामा समझते हुए आप भी इन बच्चियों की शादियों का जो एक पाक निके का प्रोग्राम हम लोगों ने रखे, इसमें आप शिरकत कीजिए, आप भी इन बच्चियों को दुआएं दीजिए और हमारे हौसले इसी तरीके से मजबूत करने के लिए आप भी यहां पर कल शाम असर के फौरन बाद तशरीफ़ लाइए और इस बाबरकत निकाई महफिल में आप शामिल होकर हमारी हिम्मत बने, हमारा हौसला बने, ताकि हम आगे भी इसी तरीके के कामकाज करते रहिए। अगर आप तक दावतनामा नहीं पहुँचाऊँगा तो मैं अदारे अमन पसंद का सिक्योरिटी होने के नाते आपसे माजरत खा हूँ, माफ़ी चाहते हैं कि आप तक दावतनामा नहीं पहुँचाए, लेकिन इसी को दावतनामा समझते हुए आप कल इस प्रोग्राम में ज़रूर बज़रूर तशरीफ़ लाएं। अमन पसंद सोसाइटी की जानिब से मैं तमाम मालेगांव शहर को मुबारकबाद देता हूँ कि हमने जो 11 इज्तिमाई निकाह रखा है उसमें हमने तमाम
दहेज का इंतज़ाम किया है, और साथ ही साथ तमाम शहर वालों को हमने अपील करते हैं कि तमाम इस प्रोग्राम में आइए और अमन पसंद सोसाइटी को आकर उसके हौसले बढ़ाइए। क्या क्या सामान है, नाम बता सकते हैं? सामान है, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, कबाड़ है, पलंग है, कूलर है, मिक्सर है, इस्तरी है, और दिगर जो ज़रूरत के सामान होते हैं, गैस का चूल्हे है, सिलेंडर के साथ हमने पूरा इंतज़ाम किया है। टोटल सामान है घर का।